बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ही चीज़ के ख़ास बयान करेंगे, वो है जैतून। जैतून का ज़िक्र तौरात में, अंजीर में भी है। इसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है। कुरान पाक में कई जगहों पर मौजूद है इसका ज़िक्र। मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही पाकीज़ा दरख्त है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना पाकीज़ा और कितना मुबारक दरख्त है। मोहतरम नाज़रीन, जैतून के फल को बेल कर तेल निकाला जाता है। इसका तेल इंतहाई गज़ाइयत से भरपूर, तवानाई से भरपूर है। ये कमज़ोर लागर जिस्म वाले आदमियों के लिए बहुत ही अच्छा और उनको मोटा ताज़ा करता है। अरबी लोग इसको देसी घी की तरह खाते हैं, जिस तरह हम लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं, अरबी लोग इसको घी की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आला और जिगर की सलाह करने वाला तेल है। जिगर की सोजिश, मेदे और आंतड़ियों की सोजिश को दूर करके पेट को ताकतवर बनाता है, बल्कि गुर्दे की सोजिश को भी दूर करके, अगर सोजिश की वजह से पत्थरी उनमें फंसी हो तो निकाल देता है। ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये अरबी लोगों की खुराक है। हमारे यहाँ भी माशाल्लाह इसका रुझान चल पड़ा है। खाना चाहिए, ताकतवर चीज़ है। जिनको देसी घी मैसर नहीं तो वो घी की जगह ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह घी से बढ़कर आप इसमें फ़ायदे पाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये पहला दरख्त है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका फल खाया। इससे आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी अफादियत, इसकी गज़ाइयत कितनी होगी। मोहतरम नाज़रीन, इसको खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले आपने ये इंतखाब करना है कि एक मार्केट में मिलता है जो मालिश के लिए, लेकिन आपने खाने वाला लेना है अगर आप खाना चाहते हैं तो। खाने वाला लेकर वो आप एक चम्मच सालन में डालकर इस्तेमाल करें या एक चम्मच दूध में डालकर इस्तेमाल करें। रात को, सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जिस्म में ज़बरदस्त ताकत पैदा करेगा, जिस्म में कमी, कोताही, कमज़ोरी सब दूर कर देगा। लिहाजा हम इस चीज़ की सिफारिश करते हैं कि ये रोगन जैतून इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही आला चीज़ है इंसानी जिस्म के लिए। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये जिस्म में चर्बी, इससे चर्बी नहीं बनती, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, तो लिहाजा बिला खौफ व ख़तर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको दूध में डालकर इस्तेमाल करें या सालन में। छोटे बच्चों और बूढ़ों के लिए ये कब्ज़ कशाई का भी काम करता है। ये कब्ज़ कशा भी है, जिनको कब्ज़ हमेशा दमी कब्ज़ रहती हो वो ये एक माह दो माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी सेहत ज़बरदस्त हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। मोहतरम नाज़रीन,
शेयर भी करें, कमेंट्स भी भेजें। मोहतरम नाज़रीन, हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें, 03-44-52-85-191 ये नंबर है हमारा, आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।